संग्रामपुर में पुरानी बाजार के पास ज्वेलर्स की दुकान पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया और 20 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि लगभग सुबह 8 बजे जब उसने दुकान खोली तो अंदर जाने पर तिजोरी उसे खुली हुई मिली, पीछे से दीवार कटी हुई दिखाई दी। आनंद फानंद में मामले की सूचना उसने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश के लिए वहां पर पहुंची। गैस कटर से काटकर लगभग 15 लाख का सोना और 5 लाख की चांदी चोरी करके चोर अपने साथ ले गए। चोरी की इस घटना से व्यापारियों में आक्रोश का माहौल है। दुकानदारों ने दुकानें बंद कर विरोध भी व्यक्त किया और पुलिस ने किसी तरह से इन तमाम कारोबारियों को समझा बुझाकर इनसे बातचीत करते हुए इन्हें आश्वासन देते हुए इनकी दुकानें एक बार फिर से खुलवाई। फिलहाल व्यापारियों का कहना है कि चोरों के हौसले यहाँ पर इस कदर बुलंद है कि गैस कटर से दुकानों को काटकर, तिजोरियों को काटकर इस तरह से चोरी की वारदातों को वो अंजाम दे रहे हैं। रात्रि गश्ती कर रही है पुलिस, रात्रि गश्ती कर रही है और ठीक है, चोरी की घटनाएं हुई है, हम लोग इसको उद्भेदन करने का प्रयास कर रहे हैं और जहां तक संभव होगा हम लोग, उम्मीद है कि हम लोग इसको डिटेक्ट कर लेंगे। मेरा जेवर की दुकान में चोरी हुआ है, पीछे से पाला काट करके और तिजोरी को पलट करके मशीन से काट कर लगभग 20 लाख की जेवर का चोरी हुआ है। कितने बजे का घटना है कुछ बताएंगे का? नहीं, रात में कब हुआ इसका कोई पता नहीं। हम दुकान खोले 7 से 7:30 के बीच में तो देखे कि जो वहाँ पर चोरी हो चुका है, सामान सब अस्त व्यस्त। प्रशासन का क्या इस पे अभी तक कार्रवाई? प्रशासन तो अभी तक सूचना दी है कि कुत्ता बुलाने के लिए, फिंगर उठाने के लिए 1 से 2 घंटे के अंदर पहुँच रहे हैं। उधर सीतामढ़ी के नानपुर प्रखंड क्षेत्र के इस्लामपुर चौक पर मुस्लिम समुदाय के हजारों लोगों ने स्वामी नरसिम्हानंद सरस्वती के खिलाफ प्रदर्शन किया। तस्वीरें देखिए आपके सामने, साथ ही सरकार से फांसी देने की मांग की गई। दरअसल स्वामी नरसिम्हानंद सरस्वती ने हजरत मोहम्मद पर टिप्पणी की थी, जिसके खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोगों में नाराजगी है। स्वामी नरसिम्हानंद सरस्वती के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि हम अपने ऊपर टीका टिप्पणी तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हजरत मोहम्मद के ऊपर टिप्पणी करने वाले को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार कानूनी कार्रवाई नहीं करती है तो संवैधानिक ढंग से अपना विरोध दर्ज वो करवाते रहेंगे। उधर पटना के मैनपुरा में भीषण आग लगने की घटना सामने आई, जिसे लेकर वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। हालांकि आग लगने की घटना का कारणों का अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। जानकारी के मुताबिक आग एक होटल में लगी थी, ऐसे में ये माना जा रहा है कि आग सिलेंडर फटने की वजह से लगी होगी। आग लगने के दौरान होटल में टोटल कितने लोग मौजूद थे इसका अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। फिलहाल तो घटना की सूचना मिलने के बाद तुरंत फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। उधर भागलपुर नवगछिया के सिमरा गांव में एक युवक की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक का शव सिमरा स्थित उसके घर से महज 200 मीटर की दूरी पर एक बागीचे से बरामद हुआ। घटनास्थल पर मृतक की मोटरसाइकिल, साथ ही उसके दोस्त की भी बाइक बरामद की गई। इसके अलावा घटनास्थल से 2 खाली कारतूस भी बरामद हुई, जबकि घटना के बाद से ही मृतक का दोस्त चिक्कू टाइगर गांव से फरार बताया जा रहा है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने वहां पर अपराधियों की गिरफ्तारी करने और पीड़ित परिवार को मुआवजे देने की मांग के साथ सड़क पर जाम की स्थिति उत्पन्न कर दी। जाम के दौरान मौके पर पहुंचे गोपालपुर के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज ने लोगों को समझाया, बुझाया, शांत कराया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। बहुत दोस्ती था, यहाँ आता जाता था, खाना पीना खाता था, वो आता था तो प्रणाम पति भी करता था, लेकिन जब से उसे ऐसा पैसा के विषय में बात हुआ तब से। कितने दिन से दोनों में अनबन हुआ? कितने दिन पहले अनबन हुआ? लगभग 2-2.5 महीने हुए, 2-2.5 महीने से वो अनबन हुई। मतलब हत्या करते कोई देखा नहीं, निश्चित कहीं ना कहीं जो गोली मारने का स्टाइल है, इनके साथ चलता फिरता जो दोस्त होगा वही गोली मारेगा। और पुलिस तो सजग है, अब पुलिस कहाँ कहाँ जाए, बड़ा मुश्किल। अभी हम आ रहे हैं, देखते किस लाइन में है, केतरी में जो तलवार से काट लिया है और 8-10 आदमी को बुरी तरह पीटा है, उसी का इलाज कर लो तो मर ही गया बेचारे, पोस्टमार्टम कराने के लिए लगा दिया दौड़ते हुए यहाँ। घटना घट रही है।
वहीं बढ़ती महंगाई में गरीबों का इलाज करना सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। वहीं बिहार के पूर्वी चंपारण के पहाड़पुर प्रखंड में जीवन ज्योति अस्पताल अभी भी मरीजों का मुफ्त इलाज करने का वीड़ा उठाता नजर आ रहा है। दिल्ली के भूतपूर्व मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अशोक कुमार अपने अस्पताल में हर रविवार को बीपीएल परिवार का मुफ्त इलाज के साथ साथ मुफ्त ऑपरेशन भी करते हैं, जिसकी वजह से अस्पताल में लगातार मरीजों की संख्या देखी जाती है। इलाज कराने आए लोगों ने भी डॉक्टर साहिब की खूब तारीफ की। वहीं डॉक्टर अशोक कुमार गरीबों की सेवा करके काफी खुश नजर आए। जनतंत्र टीवी से खास बात करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से वो काफी प्रभावित है और जनता की सेवा करना अपना परम धर्म समझते हैं। नमस्कार, इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं जीवन ज्योति हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिस्ट एंड रिसर्च सेंटर अंबे मार्केट पहाड़पुर में, जहां पे गरीबों के मसीहा डॉक्टर अशोक कुमार प्रत्येक रविवार को निःशुल्क ऑपरेशन और ओपीडी कर रहे हैं। इसके बारे में हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब जो सेवा प्रदान कर रहे हैं किस तरह से कर रहे हैं और इसका लाभ किन किन मरीजों को मिल रहा है। डॉक्टर साहब नमस्कार, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार हुआ। जीवन ज्योति हॉस्पिटल अंबे मार्केट में यह जो चल रहा है, मैं प्रत्येक रविवार को निःशुल्क सेवा देना पसंद करता हूं। इसके पहले मैं दिल्ली में आकाश हॉस्पिटल में रेजिडेंस मेडिकल ऑफिसर का मैं काम किया। उसके बाद में यहां से बहुत सारे मरीज दिल्ली में जाते थे, उनका मैं सेवा किया हूं। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि हमारे ज़िला में ही सेवा की कमी है और यहाँ के डॉक्टर्स जो हैं जो आवश्यकता से ज़्यादा पैसा लेकर के लोगों का इलाज करते हैं और पेशेंट जो है वो अच्छे अस्पताल में नहीं इलाज करा करके छोटे छोटे अस्पतालों में इलाज कराना पसंद करता है, कारण पैसे की कमी। इसलिए मैं अपने हॉस्पिटल में एक दिन के लिए प्रत्येक रविवार को निःशुल्क सारी तरह का ऑपरेशन, सभी प्रकार का ऑपरेशन और स्पाइनल एनेस्थेसिया और गैस एनेस्थेसिया, ये सब सारी सुविधा हमारे हॉस्पिटल में मौजूद है। शनिवार को। शनिवार को कई नंबर पे ऑपरेशन हुआ है आपका? हमारा हुआ था तीन नंबर, चार नंबर पर। चार नंबर पे हुआ था। पैसा भी लगा है किस चीज़ का? दवा का पैसा लगा है। ऑपरेशन का भी पैसा लगा है? जी नहीं, पैसा नहीं लगा। अब बेड चार्ज? बेड चार्ज भी नहीं लगा है। बेड चार्ज भी नहीं लगा है, यानी कि बहुत बढ़िया सा ऑपरेशन हो गया है आपका। कोई दिक्कत भी है इस हॉस्पिटल में? दिक्कत कोई नहीं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।